दोस्तों आपका सब्सक्राइबर हाइड करने, तो सिंपली ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको जैसे बताऊंगा आप वैसे करोगे तो आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो हाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स अभी दिख रहे हैं, वो आपको मैं अभी हाइड करके बताऊंगा दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, क्रोम पे आपको आपका जो जिस चैनल के सब्सक्राइबर्स हाइड करने हैं उस चैनल को डेस्कटॉप में खोल लेना दोस्तों। डेस्कटॉप में होएगा ये, तो डेस्कटॉप में जैसे आप दोस्तों को लेकर राइट कॉर्नर पे आपका चैनल का आइकन दिखेगा आपको, वो चैनल के आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करते हैं आपका क्रिएटर स्टूडियो है, तो क्रिएटर स्टूडियो पे जैसे मेरा क्रिएटर स्टूडियो तो मैंने उस पर क्लिक किया। आपका यूट्यूब स्टूडियो बीटा भी हो सकता है दोस्तों, तो उस पर आप क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे एक चैनल नाम का ऑप्शन आएगा दोस्तों, चैनल नाम के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। वो चैनल नाम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करते हैं दोस्तों, एक इंटरफेस जैसा खुलेगा, वैसे एक चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे रेड कलर में मैं आपको शो करूँगा रेड बॉक्स में, एडवांस नाम का ऑप्शन आएगा दोस्तों। एडवांस नाम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जैसे ही एडवांस नाम के ऑप्शन पे क्लिक किया, वैसे आप यहाँ पे एक इंटरफेस देख सकते हो। तो वैसे दोस्तों आपको नीचे नीचे आपको नीचे दो पॉइंट्स है उनके ऊपर जाना है। तो एक सब्सक्राइबर काउंट दोस्तों वो है, तो उसमें एक तो डिस्प्ले सब्सक्राइबर्स है, एक दूसरा है डू नॉट डिस्प्ले सब्सक्राइबर्स। तो आपको दोस्तों क्लिक करना है डू नॉट डिस्प्ले द सब्सक्राइबर्स, वो बटन पे क्लिक कर लेना दोस्तों। और नीचे आप देख सकते हो दोस्तों लेफ्ट साइड में सेव नाम का एक बटन है, तो वो सेव ब्लू कलर का बटन है दोस्तों, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना दोस्तों। बस दोस्तों जैसे सेव करोगे वैसे आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो हाइड हो चुके हैं दोस्तों। वही आपको मैं अभी अपने चैनल पर दिखाता हूँ वो हाइड हुए कि नहीं हुए। दोस्तों जैसे मैंने अपना चैनल खोला, देख सकते हो आप यहाँ से सब्सक्राइबर्स हट चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने सब्सक्राइबर हटा सकते हो। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जय हिंद दोस्तों।